वॉचिंग हेल्थ जोन, जहाँ हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बहस के पछोर से बचने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए या फिर सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर बात पे सॉरी बोल दिया करते और सॉरी बोलकर ये समझते कि उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया, सारा सब कुछ नॉर्मल कर दिया, बट ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। गाइस, सॉरी बोलना तो सभी को आना चाहिए। हर अगर गलती आप करते हो तो सॉरी तो बोलना ही चाहिए, बट हर बात पे सॉरी बोलना ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से नुकसान होते हैं। अगर आपको भी हर बात पे सॉरी कहने की आदत हो तो ये आपको सामने वाले की नज़रों में काफ़ी कमज़ोर बना देता है। अक्सर देखा गया कि जब कोई व्यक्ति हम पर हावी होने की कोशिश करता है तो वो हम पे अटैक करता है, हमें प्रोवोक करने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर हम इस सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय इस सॉरी कहकर बच जाना चाहते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे इस पोलाइट नेचर को डिफरेंट ही वे एंगल में लेता और वो हमें कमज़ोर समझ बैठता है और वो हमें कोई भी मौका हम पे हावी होने का नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, हर बात पर सॉरी कहने की आदत हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी काफ़ी ठेस पहुंचाती है। कई बार देखा जाता है कि हमारी कोई गलती भी नहीं होती फिर भी हम सामने वाले की खरी खोटी सुनते रहते हैं और सॉरी भी कहते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाएगी, आप खुद ही अपनी नज़रों पर गिरते जाओगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपना पॉइंट क्लियर करना है और अपना स्टैंड आपको लेना है। वैसे तो कहा जाता है कि बातों को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बस सॉरी कह दो और बातों को ख़त्म करो, इससे रिश्तों की मिठास बनी रहेगी। बट ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए आपकी फैमिली में या फिर आपके दोस्तों के बीच या हस्बैंड वाइफ में किसी टॉपिक पे आप दोनों की राय ओपिनियंस एक दूसरे से मेल नहीं खाते हो, समटाइम्स आप उनके ओपिनियन से सहमत नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसे में आप सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय अगर इसे निपटा सॉरी कहकर इसे निपटा देने की सोच रहे हो तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए आगे चलकर इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि आप खुद इससे बचना आगे जाकर बाहर निकलना चाहोगे, जो कि आपके लिए भी और आपके फैमिली वाले किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आज ही आप अपनी बात कहें, खुल कर कहें और सामने वालों को भी समझाएं। कभी हर बात पर सॉरी कहने की ये आदत हमारे कॉन्फिडेंस को इतना खोखला बना देता है कि हम अपने आप को सामने रख ही नहीं पाते, हम अपना स्टैंड ले ही नहीं पाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये हमारे आने वाले लाइफ में, हमारे फ्यूचर में, हमारे करियर में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह मुश्किलें पैदा करता है। तो बेहतर है कि आप इससे बचें और सॉरी वही कहें जहाँ इसकी ज़रूरत हो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियंस भी लेकर मुझे शेयर कर सकते हो, साथ में मुझे ये भी गाइड कर सकते हो कि मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।